तो इतनी सारी टैनिंग हटाने के लिए थोड़ा सा कॉफी और शहद। अभी मैं रेड लाइट पे खड़ी हूँ, खाली था, रेड लाइट थोड़ी लंबी थी तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अब मैं इतने दिनों बाद जिम जा रही हूँ और लेट भी हो चुकी हूँ। स्कूटी मेरी इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है, इसको आज साफ कराऊंगी क्योंकि बहुत एक हफ्ते से खड़ी हुई है ना, तो इसको भी साफ कराना है। और अब चलो चलते हैं। मुंह मेरा देखो सारा टैन हो रखा है और यहाँ से सारा फटा हुआ है, तो ठीक है थोड़े दिन लगेंगे लेकिन ठीक हो जाएगा। तो अब मैं आपको मिलती हूँ सीधा जिम। तो जिम में पहुँच गई थी और सुबह नहीं, तो अब 11 बज चुके हैं और अब 11 बजे वाली मेरी क्लास है। खाने के लिए कुछ गई थी बाहर और बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ मैं, और सारे मेरे फेस को लेके बोल रहे हैं क्योंकि मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा टैनिंग हो गई है ना, अजीब सा लग रहा है, नाक यहाँ से रेड हो रही है। और ये चलो ठीक है, कोई बात नहीं, निशानी है मेरी। तो अब क्लास करा के घर जाके फिर मैं, तो मुझे 11 बजे वाली बैच चल रहा है और बैच कराने के बाद फिर घर चलेंगे। तो क्लास दिखाती हूँ मैं आपको और टाइम दे दूँ। कोई मेरी से सिर्फ टैनिंग को लेके ही बोले जा रहा है, और यहाँ पे एकदम से धूप हो गई है ना, और वहाँ से ठंडे मौसम से यहाँ आना मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। ठंडा मौसम फिर एकदम से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, तो ठीक है एक दो दिन लगेंगे नॉर्मल वापस होने में। और अब तो मैं घर जाके सोने वाली हूँ, कोई भी नहीं जगा, सिर्फ मैं ही उधर उठ के आ गई, बाकी सब आराम कर रहे हैं, तो अब घर जाके मैं भी आराम करूँ। तो घर पहुँच चुकी हूँ मैं, और ये जो बीमार थी थोड़े दिन पहले और जिसकी हम सेवा कर रहे थे, और आज ही हमें काट रही है, यही है लड़की जो हमें काट रही है। अबे गिर मत जियो। तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, और वहाँ से आने के बाद यहाँ पे गर्मी महसूस करना बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा। तो ठीक है अब यही रहना है तो क्या कर सकते हैं। हाँ तो शाम हो चुकी है, नहीं शाम तो कल भी हुई थी, तो शाम हो चुकी है और अभी बहुत तेज़ भूख लगी है मेरे को, तो बहुत ज़्यादा तेज मतलब। तो मैं सोच रही थी कुछ दिन तक बाहर का उल्टा सीधा ना खा के मैं घर में ही कुछ बनाऊँ, तो मैंने अभी बम्बिनो बनाई है, मतलब नमकीन सेवियाँ, तो मैं वो बना रही हूँ। ये आलू कट चुके हैं, सब्जियाँ बन चुकी है, बस इसमें डालना है और खाना है। बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो जल्दी जल्दी से बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। वैसे तो अच्छी बनी होती है क्योंकि तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी शेफ हूँ। यार मेरी नाक पे देखो, ये टैनिंग तो धीरे धीरे हट रही है, लेकिन ये नाक को देख के ना सारे हंस रहे हैं, ये जल्दी से ठीक हो जाए ना तो मेरा जोकर का किताब मुझे पक्का मिलने वाला है। तो हमारी नमकीन से है बन के तैयार हो चुकी है, कुछ ऐसी दिख रही है, और इसके अंदर ना मुझे सॉस डाल के खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि स्कूल टाइम पे ना कुछ बच्चे लेके आते थे तो वहाँ से मुझे सॉस डाल के इसको खाने की हैबिट पड़ी। तो अभी इसमें मैं रेड केचप डालूंगी अपनी वाली, और फिर खाएंगे। तो तैयार है मेरा शाम का नाश्ता, तो जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शाम को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो मैं कोशिश करती हूँ उल्टा सीधा ना खाऊं। और जब से मैं केदारनाथ से आई हूँ ना, तो वहाँ से आने के बाद ना वहाँ पे जैसे कुछ खाया नहीं ढंग से, उल्टी सीधी चीज़ें खाई सारी, तो उस वजह से बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा है, चलते उठते एक्सरसाइज करते हुए ना थोड़ा सा चक्कर वक्कर आते रहते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फिट होने की कोशिश कर रही हूँ वापस। तो अब इसको खाते हैं और फिर बाहर जाना है मेरे को प्रसाद देने के लिए ताई के घर, तो पहले इसको खा के फिर मिलती हूँ आपसे। जो है कि पूछ ऐसे टिंग 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 हिलती है ना भाई, जब बीमार हुई थी ना सबकी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब मेरी भी, मैं भी जा रही थी लेकिन मेरे मन में दिमाग में सिर्फ यही था कि जो ही ठीक हो जाए जो ही ठीक हो जाए। तो अब फाइनली ये ठीक हो गई है, सबने जिन्होंने प्रे करा मैसेजेस करे उसके लिए थैंक यू सो मच। तो अब ये पूरी तरह से ठीक है, बस वीकनेस है, अब ये थोड़ा घर का हल्का खाना खाती है, लेकिन चटोरी तो है ही भाई है, तो जैसे ही देखती है ना कुछ बन रहा है फटाफट भागते हुए जाती है। लंका तो घर में सारा काम हो गया था, तो थोड़ी देर के लिए बाहर आई हूँ मैं। बाकी आज मेरी नाक की तो ऐसी तैसी हो गई है, मतलब देखती हूँ अभी इसका कोई जुगाड़ बनाती हूँ। बाकी आपको अगर कुछ पता हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी मैं रेड लाइट पे खड़ी हूँ, खाली था, रेड लाइट थोड़ी लंबी थी तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देते हैं।
तो अब लाइट हो गया ख़त्म, अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो मैं घर आ चुकी हूँ और अभी प्रसाद देना है सबको, तो ऐसे हमने छोटे छोटे पाउच बना लिए और जिन जिनको देने हैं उनको ऐसे प्रसाद दे देंगे, तो सबको प्रसाद मिल जाएगा केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का। और बस इसको देख लो यार भाई, अब ना इसको डर लगता है छोड़ते हुए, जैसे इसको डॉक्टर ने मना करा है कि ये कुछ भी उल्टा सीधा ना खाए, और इसकी आदत हम इतनी बुरी है कि डस्टबिन आसपास कहीं पे भी जो भी मिलता है उठा के खा लेती है, तो हमें इसको पूरी नज़र रखनी पड़ती है कि ये कुछ उल्टा ना खा ले गलती से भी। ये तो इतनी सारी टैनिंग हटाने के लिए थोड़ा सा कॉफ़ी और शहद, पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने पूरा मुंह पे लगा लिया, अब देखते हैं कि कितना असर करता है। तो ये जैसे है ना, तो मेरे को काला काला कर रहे हैं, ये काली होगी अभी बताती हूँ बेटा, ऐसा निखर के बाहर आएगा ना मुंह। रुको जरा, सबर करो, तो देखते हैं कि कितना असर करता है ये। हाँ तो अभी मैंने धो लिया मुंह, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि पहले से थोड़ा सा टैन उतर गया है, बाकी एक दो दिन और लगेंगे, लेकिन ठीक है, ये टैन भी अच्छा है, जैसे दाग अच्छे होते हैं वैसे ये टैन भी बहुत अच्छा है। ये टैन मुझे याद दिलाएगा जब तक ये रहेगा कि मैं कहाँ गई थी, वैसे याद तो मुझे वैसे भी रहेगा, लेकिन चलो ठीक है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब जा रही हूँ बाहर दाई को प्रसाद देने के लिए, और बस चलो चलते हैं। वैसे हमने सबको प्रसाद दे दिया, बस ताई और ताऊ को देना रह गया, तो इसलिए जल्दी से मैं ताई ताऊ को प्रसाद दे देती हूँ, फिर सारा दादा का कंप्लीट हो जाएगा। और इतने दिन बाद मिल रही हूँ ना, यहाँ पे भी पक्का गारंटी के साथ सारे यही बोलेंगे कि तेरे मुंह से क्या हो गया, टैनिंग क्यों हो गई, सारे पहली बार मिलते हैं मुझसे यही बोल रहे हैं। पहुँच गई हूँ मैं, यहाँ तो सरप्राइज भी नहीं दे सकते, वही पहले ही लग गया। हेलो हेलो, इतने टाइम बाद मैं सबसे मिलूंगी, और पहले तो भाई हंसेंगे क्योंकि मेरी शक्ल कैसी है, लेकिन ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे आए हुए यहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब मैं आई थी थोड़ी देर में, अब चीना भी आ गया। निश्चय नहीं है, चीना भी आ गई, निश्चय भी आ गया। वैसे मैं प्रसाद देने आई थी, लेकिन हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना, तो मैं ताई के पास आई नहीं थी, तो बहुत देर से हम बातें कर रहे थे, और अब मैं जा रही हूँ, चीना आ चुकी है, अब तक वो बैठेगी यहाँ पे, और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे को घर जाके खाना होगा। यहाँ पे ताई बोल रही थी खाना खाने के लिए, लेकिन मैं खिचड़ी खाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं घर जा रही हूँ। आइए आइए, तो निश्चय पहली बार आ रहे हैं। और चीना यहीं पे है, और काफ़ी दिन हो गए थे हम नहीं मिले थे, मैं यहाँ आई नहीं थी, ताई भी घर पे नहीं आई थी, ताऊ से किसी से भी नहीं मिली थी, तो इसलिए जब भी मैं आती हूँ ज़्यादा टाइम लग जाता है बातें करने में। तो अब मैं जा रही हूँ घर, और घर जाके खिचड़ी खाऊंगी, ताई बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी खाना खाने के लिए, लेकिन मैंने सोच रखी है कि मैं खिचड़ी ही खाऊंगी। अच्छा, हमको सिखा दिया है, अच्छा कुछ दिन तक तो फाइनल लग रहा। तो मैं घर पहुंच चुकी हूँ, और निश्चय बिना बताए घर से चला गया था ना, तो उसको डांट पड़ गई, और अब मैं अपनी खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि बताया था ना मैंने खिचड़ी खानी है अब कुछ दिन तक, तो इस लॉक को यही बैन करते हैं। सब में प्रसाद भी बांट दिया, जो भी मैं लाई थी सारी चीज़ें बांट दिया, तो इस लॉक को यही बैन करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ।